जुड़ गए हैं इस लाइव वीडियो पर। हालांकि मुझे शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन काफी सारे साथी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कितने साथी जुड़े हैं मुझे शो नहीं कर रहे हैं अभी। जो बाद में जुड़ेंगे वो भी आप प्लीज शेयर कीजिएगा, जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मैं आप सभी साथियों का क्रांतिकारी जय भीम अभिवादन स्वीकार करता हूं। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय गुरु रविदास जी, जय गुरु कबीरदास जी, जय महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी, जय माता सावित्री बाई फूले जी, जय माता रमाबाई जी, जय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जय साहब कांशीराम जी, जय भगवान वाल्मीकि जी, जय गुरु रैदास जी, जय गुरु नानक देव जी, हमारे सभी महापुरुष और हमारे सभी संतों को नमन करते हुए मैं आप सबका जय भीम अभिवादन स्वीकार करता हूं और आपको जय भीम अभिवादन करता हूं। देखिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं ये करना चाहता हूं कि आप 1 अक्टूबर 2023 इस तारीख को अपनी डायरी में लिख लो, अपने दिल में लकीर खींच लो, अक्षरों को लिख लो अपने दिल में, 1 अक्टूबर 2023, और टाइम भी लिख लो सुबह 9 बजे। अपने दिमाग में भी ये मोहर छाप लो 1 अक्टूबर की मोहर छाप लो अपने दिमाग के अंदर, 1 अक्टूबर 2023 सुबह 9 बजे, और एड्रेस भी छाप लो, राजधानी दिल्ली, जंतर मंतर। आगे की बात करते हैं कि काफी सारे राज्यों से मेरे साथी, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे हम सफर साथी, मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई हैं, मेरे युवा साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुजन समाज के साथी हैं, क्योंकि बहुजन समाज के साथी और अल्पसंख्यक वर्ग के साथी, दलित वर्ग के साथी, ओबीसी समाज के पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के साथी, अल्पसंख्यक वर्गों के साथी, और सामान्य वर्ग के भी वो साथी जो संविधान को प्रेम करते हैं, देश को प्रेम करते हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है सबसे पहले तो कि आप 1 अक्टूबर 2023 को मिस मत होने देना। ये दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इतिहास में लिखा जाएगा, और जो इतिहास में जो दिन लिखा जा रहा है उसमें आपकी कितनी भागीदारी है, ये निर्णय आपको आज और अभी लेना पड़ेगा कि संविधान को बचाने के लिए आपने इस आंदोलन में अपनी मुख्य भूमिका निभाई या नहीं निभाई। आपने अपनी नौकरी छोड़ी, आपने अपनी मेहनत मजदूरी छोड़ी या नहीं छोड़ी, आपने अपने परिवार का मोह कुछ समय के लिए छोड़ा या नहीं छोड़ा, आपने अपने माता पिता का मान मनोवल करके उनकी परमिशन लेके आप आए कि नहीं आए, आप अपने बच्चों की परमिशन लेकर के, अपने बीवी बच्चों की परमिशन लेकर के आप आए कि नहीं आए, ये फैसला आज ही आपको करना है और अभी करना है। अब ये आंदोलन की तैयारी अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। मैं राजस्थान के साथियों को कहना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के साथियों को कहना चाहता हूं, मैं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजधानी दिल्ली, और मैं गुड़गांव की बात बाद में करूंगा, इसके अलावा मैं हरियाणा की बात करना चाहता हूं, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को कौन भूल जाएगा भाई। हाँ, ये उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं हमारे, उत्तर भारत के राज्यों से बहुत भारी संख्या में भीम सैनिक पहुंच रहे हैं, बहुजन समाज के साथी पहुंच रहे हैं, और पूरे भारत के कोने कोने से पहुंच रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत की भूमिका बहुत अहम भूमिका है इस आंदोलन के अंदर। उत्तर भारत से जगह जगह से साथी पहुंच रहे हैं, तो मैं आपको पहुंचने का तरीका बताता हूं। देखो, आप ये नहीं है कि आप एक दिन पहले डिसीजन लोगे, निर्णय लोगे आप एक दिन पहले कि जाएं या ना जाएं। भाई, अभी अपने साथियों की टोली बना लो, आप अपना ग्रुप बना लो और आपस में बातचीत करके एक दूसरे के साथ बातचीत शेयर करो कि भाई हमें सतपालता और भाई का साथ निभाने के लिए आओ चाहे मत आओ, लेकिन संविधान को बचाने के लिए आना है, संविधान को बचाने के लिए आना है, संविधान को बचाने के लिए आप दिल्ली पहुंच रहे हैं, आप अभी निर्णय ले लीजिए। अब जो दूसरे राज्यों से लोग आएंगे, दूसरे राज्यों से, देखो आपका जो जिला है वहां पर एक रेलवे स्टेशन है, आप रेलवे स्टेशन पर जाओ या ऑनलाइन सर्च करो, आपको जर्नल की टिकट मिलेगी। मैं मूर्ख नहीं बनाऊंगा और लोगों की तरह, अगर भाई फ्री ट्रेनें करवा दी हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं बिल्कुल जो बात कहूंगा सच्चाई कहूंगा। आपको टिकट लेनी है अपनी, बिना टिकट के यात्रा मत करना,
आपको अपनी टिकट लेनी है, एट ए टाइम भी कटवा लेनी है या पहले भी कटवा लेना। आप ट्रेन की अपनी टिकट कटवाओ, एडवांस में कटवा के तैयार रखो कि भाई एट ए टाइम जो है आपको भीड़ में ना लगना पड़े, लाइन में ना लगना पड़े, क्योंकि उस दिन स्टेशनों पे और ट्रेनों में बहुत भारी संख्या में भीड़ होने वाली है, बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे, राजधानी दिल्ली कूच करेंगे। इसलिए आप अपनी टिकट पहले ही कटवा लेना, चाहे तो जनरल की कटवा लो, चाहे स्लीपर की कटवाओ, अगर गुंजाइश है तो चाहे एसी कोच की कटवाओ आप, लेकिन टिकट आप पहले ही कटवा लो। ये बात मेरी को ध्यान कर लेना, नोट कर लेना, अभी के अभी नोट कर लेना। और एक बात ध्यान रखना, आप ट्रेन का टाइमिंग चेक कर लो, कितने समय पर ट्रेन चल रही है। अगर ट्रेन चल रही है रात को और वो सुबह सुबह 7-8 बजे या 6 बजे आपको दिल्ली पहुंचा दे रही है, तो फिर आप रात को बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रात की कोई ट्रेन नहीं है या कोई एक आधी ट्रेन होती है जिनका कोई भरोसा नहीं होता, रद्द भी हो जाया करती है ट्रेनें, तो ऐसे में आप जो है अपनी पहले की टिकट करवा लो, रात को रुक जाओ आप कहीं भी आके, आप रात को कहीं भी रुक सकते हो। अगर लोगों के रुकने की संख्या ज्यादा होगी तो मैं जो झंडे वालान के पास दिल्ली में, झंडे वालान करोल बाग जो अंबेडकर भवन है, मैं वहां पर रहने का इंतजाम करा दूंगा। अगर संख्या ज्यादा होगी रात को रुकने वालों की, तो मैं वहां पर जो है रहने का, खाने पीने का इंतजाम करवा दूंगा, सारा इंतजाम करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर की कृपा से हम जो है पूरी तरह से समर्थ हैं, हम ये काम करवाएंगे और पूरे दलबल के साथ आपको पहुंचना है। कुछ साथी कमेंट करके भी कह रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, ये जिम्मेदारी हम सब की है। देखो जैसे मेरे कंधों पर हमारे महापुरुषों ने जिम्मेदारियां दी है, आप सबकी कंधों पर भी दी है, मुझे कोई स्पेशल नहीं दी है, आप लोगों के कंधों पर भी जिम्मेदारियां दी है, जैसी मेरे कंधों पर ऐसी आप लोगों के कंधों पर भी है। आपको अपने परिवार का मोह कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी पढ़ाई कुछ समय के लिए छोड़नी पड़ेगी, आपको अपना रोजगार कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा। यार 2 से 4 घंटे की तो 2 से 4 घंटे की तो बात है, अब 2 से 4 घंटे है, आप 2 से 4 घंटे वहां पर रुकोगे, फिर आने जाने का जो आपका टाइम लगेगा वही है। फिर मैं आपको एक बात और बताता हूं, आप दूर से चले तो भाई अपनी 5-10 रोटी बांध के चलिएगा, आपको वो कहते हैं ना छालना होता है, उसमें लपेट लेना, अखबार के टुकड़े में लपेट लेना, किसी टिश्यू में लपेट लेना, या तो रोटियां अपनी बांध के रखना, चलना वहां से, ठीक है, पानी की बोतल लेकर के चलना, गर्मी बहुत है। आप प्याज ले लो भाई, अचार ले लो भाई, हाँ, या कोई चावल चावल छुकवा लेना घर वालों से, चावल अपने टिफिन में पैक करवा के ले आना, ठीक है। और आपके हाथ से अगर कुछ खाने को मिलेगा तो बाद में अगर अनशन मेरा खत्म होता है तो की बात है कि मैं कुछ खा लूंगा, नहीं तो शायद मैं कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं उस दिन भूख हड़ताल पे रहूंगा, मैं अनशन पे रहूंगा। संविधान को बचाने की लड़ाई है भाई, आज संविधान खतरे में है, और अगर आज हमने संविधान की रक्षा के लिए कदम नहीं उठाया ना, तो ये आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी, हमारे बच्चों की शिक्षा खत्म हो जाएगी। अब ये लाइव तो देखो बहुत महत्वपूर्ण लाइव है, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहा हूं, इसलिए आप शेयर जरूर करो भाई इस वीडियो को। मैं बार बार मैं कहता हूं, अच्छा नहीं लगता, वो कहते ना कि मनुवादी लोग ये कहेंगे अगर भाई शेयर की भीख मांग रहा है, जबकि मेरा कहना जरूरी है, अपने साथियों को बताना जरूरी है, मेरा अधिकार है, मेरे अधिकार से मुझे कोई नहीं छीन सकता, और शेयर करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, चाहे वो कोई मनुवादी हो चाहे वो कोई भी हो, हाँ। और दूसरी बात, शेयर करने में कोई पैसे नहीं लगते किसी के, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात हमारी ये आ जाती है कि अगर आपको ट्रेन नहीं मिल रही है या ट्रेन से आप आना नहीं चाहते, बस से आना चाहते हैं, तो अनेकों जिलों से जो है, अनेकों राज्यों से बसें भी आती हैं, बस यूपी से भी आती हैं, बस जो है वो राजस्थान से भी आती है, बिहार से भी आती है, झारखंड से भी आती है। दिल्ली के अंदर मैं सबसे पहले ट्रेन की बात कर लेता हूँ, आप जो अपनी ट्रेन की टिकट की बुकिंग करवाएंगे ना, वो या तो आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे छोड़ेगी ट्रेन, या आपको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे छोड़ेगी आपको ट्रेन, या हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे आपको छोड़ेगी ट्रेन, दिल्ली कैंट भी छोड़ सकती है आपको ट्रेन, जहां भी छोड़े, जिस भी स्टेशन पे छोड़े। आप याद रखना, हर एक रेलवे स्टेशन के बाहर एक मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन में जाना, एक टोकन लेना मेट्रो का, और आप टोकन कहाँ का लेंगे, मेट्रो का टोकन आपको लेना पटेल चौक मेट्रो स्टेशन का, क्योंकि पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के नजदीक में जो है वो जंतर मंतर है, दिल्ली का जंतर मंतर पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के नजदीक है। इस बात को अभी कागज में, डायरी पेन में नोट कर लेना, आप कहीं भूल ना जाओ और ये वीडियो कहीं आपसे मिस ना हो जाए, और बाद में ढूंढते रहो आप इस वीडियो को, हाँ। इस वीडियो को कोई जो है ढूंढने की दिक्कत आए, किसी को साथी को परेशानी हो पहुंचने में, तो जो है आप इसको शेयर कर दो, ताकि आपके पास में ये वीडियो पड़ी रहे, हाँ। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन का टोकन लेना किसी भी मेट्रो स्टेशन से,
और आप मेट्रो पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाना, वहीं पास में ही जंतर मंतर है, किसी से भी पूछोगे कोई भी बता देगा। फिर अगर आप आते हैं बस से, तो देखो आपके जिले से आपके राज्य से बसें आती हैं, बहुत बसें आती हैं, सरकारी बसें आती हैं। आप बस की टिकट लो और अपने बस में बैठ के आ जाओ, कोई साथी की गुंजाइश है तो स्लीपर में भी आ सकता है, लेकिन टाइम से निकलना। आप गूगल मैप में सर्च कर लेना कि कितने देर की दूरी है और कितने बजे आपको निकलना चाहिए। या तो आप एक दिन पहले सुबह निकलो, यानी कि 30 सितंबर को निकलो सुबह, या 30 सितंबर की रात को निकलो आप। आपको पहले ही निकलना पड़ेगा, पता लगे वहां पर आंदोलन खत्म हो गया और आप तब पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आंदोलन बड़ा है, लंबा चलेगा, पूरे देश भर में फैलेगा, इस बात की घोषणा मैं उसी दिन कर दूंगा। लेकिन आपको समय से पहुंचना है, सुबह 9 बजे का टाइम है, आप सुबह 8 बजे 7 बजे पहुंच जाओ वहां पर। हाँ, एक तो ये बात होगी मेन। अगर आप बस से आते हो तो आपका बस अड्डा जो बनता पड़ता है, अंतर्राज्यीय बस अड्डा है, अंतर्राज्यीय बस अड्डा जो दिल्ली का बस अड्डा है वो अंतर्राज्यीय बस अड्डा है, और इस बस अड्डे से आपको कोई भी ऑटो मिल जाएगा। ऑटो ना पकड़ो तो आप कोई भी सिटी बस पकड़ लेना, सीएनजी बस जो होती है, ग्रीन कलर की होती है, हाँ वो कोई भी बस पकड़ लेना। और आप जो है पटे सॉरी आप जो है जंतर मंतर के पास में कहीं भी उतर जाना, कई सारे वहां पर स्टेशन पड़ते हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट का, संसद मार्ग का भी वहां पर स्टेशन पड़ता है, बस स्टॉप, बस अड्डा जिसको बोलते हैं, तो आप वहां पहुंच जाना, ठीक है। और दूसरी बात अगर अगर आती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां से भी आप आनंद विहार है जैसे बस अड्डा, आनंद विहार पे आपको वो छोड़ सकते हैं बस वाले जो दूर से आएंगे, या फिर आपको छोड़ सकते हैं अंतर्राज्यीय बस अड्डे पे। आप आनंद विहार पे उतरो या फिर आप उतरो अंतर्राज्यीय बस अड्डे पे, वहां पर जो है बाहर निकलते ही मेट्रो स्टेशन है। जैसे आप किसी भी बस अड्डे पे खड़े होंगे ना, आप उतरोगे, बाहर निकलते ही मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन से आप मेट्रो का टोकन लेना और मेट्रो से पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पे आ जाना। अब जंतर मंतर पास में ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और तारीख है 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर 2023। भाई एक बार अपनी ताकत दिखा दो, मैं सच्चाई बता रहा हूं, ये आंदोलन इतिहास में लिखा जाएगा और आपका नाम भी इतिहास में ही लिखा जाएगा। ऐसे जैसे भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुई थी और हमारे वीरों का नाम इतिहास में लिखा गया, 500 मारों ने 28,000 पेशवाओं को हराया था, लिखा गया ना। लेकिन हमें यहाँ कोई युद्ध थोड़ी ना लड़ना है, हमें तो भाई संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को मजबूत करना है। संविधान के तरीके से हम आवाज उठा रहे हैं, संविधान संरक्षण अधिनियम की मांग कर रहे हैं, संविधान सुरक्षा बिल लाने की मांग कर रहे हैं हम। संविधानिक अधिकार है ये हमारे, और इन अधिकारों का हम पालन कर रहे हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य है, हमारे मौलिक अधिकार है, हम इनका पालन कर रहे हैं। ये तो है भाई बाहर से जो साथी आ रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूं देखो लोकल की, और लोकल है दिल्ली एनसीआर, और दिल्ली एनसीआर में एक तो हमारी यूनियन टेरिटरी दिल्ली आ जाती है, हाँ एक तो हमारी दिल्ली है जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। एनसीआर में जो आते हैं वो फरीदाबाद है, गुड़गांव है, गाजियाबाद है, नोएडा है, और भी कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। और अगर मैं पास की बात करूं तो पास की पास में क्या होता है, पास में जैसे हमारे हरियाणा में झज्जर है, रिवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, पलवल है, हाँ इधर से नूह मेवात है, सोना इधर से नूह मेवात है, सोना है इधर से नूह मेवात सोना है, और जो है हमारे गाजियाबाद, नोएडा, मोदी नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, ये पास में पड़ते हैं, बहुत पास में पड़ते हैं। और मैं किसी अगर जिले का नाम ना ले पाऊं तो माफी चाहूंगा, लेकिन देखो यूपी के बहुत सारे जिलों से आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली से लगते हुए जो है ना मैं उनका नाम ले रहा हूं। जब राजस्थान से मेरे भाई बंधु आ रहे हैं, हाँ जब बिहार से मेरे भाई बंधु आ रहे हैं, जब झारखंड से मेरे भाई बंधु आ रहे हैं, उत्तराखंड से मेरे भाई बंधु आ रहे हैं, हाँ और इधर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर से मेरे भाई बंधु आ रहे हैं, गुजरात इतने 100 किलोमीटरों से दूर जो है मेरे भाई बंधु आ रहे हैं, तो ऐसे में जो है ना हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। जो लोकल के लोग है ना, जो लोकल स्थानीय लोग हैं, हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। कुछ साथी मुझे ये कह रहे थे, भाई साहब दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद के लोगों का ना पेट भरा हुआ है, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद के लोगों का पेट भरा हुआ है, उनको टाइम पे सब कुछ मिलता है, उनके पास नौकरी है, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उनके पास सब कुछ है,
उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो उनको संविधान की भी जरूरत नहीं है, उनको बहुत बढ़िया बाबा साहब के बच्चों की कुर्बानी की बदौलत जो है उनको बहुत बढ़िया सूट बूट कोट पैंट, बढ़िया पानी, बढ़िया खाना, बढ़िया घर, आलीशान कोठी, आलीशान बंगला, आलीशान फ्लैट, बढ़िया एक नंबर की लग्जरी गाड़ी, उनको सब कुछ मिला हुआ है। कुछ साथी मुझे ये कह रहे थे, लेकिन मैंने उन साथियों को क्लियरली बोला, मैंने कि देखो भाई आप जो है आप लोग जो है बिल्कुल गलत कह रहे हैं, आप लोग जो है बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि जब जो है बाबा साहब अंबेडकर ने इतना बड़ा संघर्ष किया, उनको सभी अधिकार दे दिए, आज उनके पास में आलीशान बंगला है, फ्लैट है, धन दौलत है, बढ़िया कोठी है, रहने को बढ़िया घर है, बढ़िया नौकरी है, बढ़िया रोजगार है, बढ़िया बिजनेस है, बढ़िया शिक्षा है, बढ़िया स्वास्थ्य है, अगर उनके पास है किसी सूरत में अगर है तो बाबा साहब के बच्चों की कुर्बानी की बदौलत है। मासूम मासूम छोटे छोटे बच्चे इलाज के अभाव में वो तड़प तड़प के जो है वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने बच्चों की परवाह ना करके हम जैसे करोड़ों बहुजनों की परवाह की। और ये मूल निवासी राजा हैं हम लोग बहुजन समाज के सिपाही हैं, बाबा साहब की सेना के सच्चे भीम सैनिक हैं हम, और वो सभी हैं, वो ऐसे में पीछे नहीं हटेंगे, बेशक से उनका भरा हुआ पेट हो या उनका पेट खाली हो, वो जरूर आएंगे, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। और जिनकी नौकरी सरकारी भी है वो भी जरूर आएंगे, और तन मन से ही नहीं वो धन से भी सहयोग करेंगे, ये मेरा मानना है, ये मैंने उनको बोला बिल्कुल। और हर तरह से हम लोग भाई मैदान में डटे हैं, मैदान में तैयार खड़े हैं, हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। और जो साथी अपने पर्सनल व्हीकल से आना चाहता है, मुझे ये भी सूचना काफी जगह से मिली है कि हमारे भीम सैनिक साथी हैं, हमारे बहुजन समाज के सिपाही हैं, मूल निवासी राजा हैं हमारे, जो वो अपनी स्पेशल बस करके लेके आ रहे हैं, हरियाणा के कई सारे जिलों से आ रहे हैं, जैसे कि रोहतक में भी हमारे जो जिलाध्यक्ष साहब हैं उन्होंने पूरी बस जो है गाड़ियां कर रखी है, तीन चार उन्होंने छोटी गाड़ियां कर रखी है, हाँ वो आ रहे हैं। ऐसे कई जगह से बस है, उधर दौसा जिले से भी बस भर के आ रही है, गुजरात से भी एक बस भर के आ रही है, राजस्थान में से कई जगह से बस भर के आ रही है, बिहार से भी कई जगह से बसें भर के आ रही है, और यूपी से भी कई जगहों से बसें भर के आ रही है, मुजफ्फरनगर से भी बसें भर के आ रही है, मेरठ से भी आ रही है, ऐसे बहुत सारी जगहों से बसें भर भर के आ रही है। सब लोगों ने अपना पैसा इकट्ठा किया है, और मैं कई जिलों के नाम नहीं ले पाऊंगा, माफी चाहूंगा, उन साथियों ने भी तैयारी कर रखी है, वो बसें कर रखी है, उन्होंने अपना पैसा इकट्ठा करके उन्होंने बसें करी है किराए पे, और वो बसें भर भर के आ रही है पूरी, हाँ पूरी दिल्ली को नीला कर दिया जाएगा, पूरे जंतर मंतर को नीला कर दिया जाएगा, राजधानी दिल्ली नीली होगी, 1 अक्टूबर को नीली हो जाएगी, पूरी नीली हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी जी ये ताकत को देखेंगे, उनको पता लग जाएगा कि बहुजन समाज की ताकत क्या है, वो संविधान को बदलने चले, वो संविधान बदलेंगे, उनको पता लग जाएगा हमारी ताकत क्या है, जब ये ताकत दिल्ली में दिखाई देगी ना तो सांस लेना बंद हो जाएगा पूरी दिल्ली का, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का सांस लेना बंद हो जाएगा, जब ये पूरा का पूरा जनसैलाब, नीला जनसैलाब जब दिल्ली में उमड़ पड़ेगा 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को सुबह 9 बजे जंतर मंतर दिल्ली। तो भाई बहुत सारे साथी हिंडोन से भी आ रहे हैं, करौली से भी आ रहे हैं, कमेंट करके मैसेज साथी मुझे बता रहे हैं, कमेंट करके बता रहे हैं, भाई सबका मैं सम्मान करता हूं, आप सबको पूरा पूरा सम्मान दिया जाएगा, पूरा सम्मान दिया जाएगा, मेरे पलकों पे जो है आपकी जगह है, मेरे दिल में आपकी जगह है। और वास्तव में आज आप लोगों ने जो है ना मुझे हरा दिया, आप लोग जीत गए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आप लोग जीत गए हो और मैं हार गया हूं, पता है क्या क्यों? क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने ना अपनी ताकत दिखा दी है, बहुत बड़ी ताकत दिखा दी है, सोशल मीडिया पे ना वायरल हो रहा है 1 अक्टूबर संविधान बचाओ आंदोलन, संविधान सुरक्षा बिल पास करो, पूरा वायरल हो रहा है। भाई साहब आज आपने, सच बता रहा हूं, मुझे हरा दिया आपने, आप जीत गए यार। मेरा बहुजन समाज, वो कहते समाज से तो कोई भी बड़ा नहीं भाई, समाज से तो मैं भी बड़ा नहीं हूं, मैं तो समाज के पैरों में हूं, चरणों में हूं, बाबा साहब अंबेडकर के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं मेरी औकात, मैं तो बस उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन सच में यार आज ना आप लोगों ने मेरा दिल जीत लिया, आज सतपाल तंवर हार गया, आप सब जीत गए मेरे बहुजन समाज के सिपाहियों, आप सब जीत गए। और आप सब पता है कब जीतोगे? आपकी जीत 1 अक्टूबर को होगी, जब आप जन सैलाब लेकर के आओगे, और पाकिस्तान बॉर्डर पे बाड़मेर पड़ता है, बलोतरा पड़ता है, जैसलमेर पड़ता है, वहां से भी अपने भीम सैनिक पहुंच रहे हैं, बहुत सारे साथी पहुंच रहे हैं, उन्होंने भी बसें कर रखी हैं, ट्रेनों से भी आ रहे हैं, बसों से भी आ रहे हैं,
बहुत सारे साथी पर्सनल गाड़ियां लेकर के भी आ रहे हैं, जो आसपास के एनसीआर के छाती है साथी हैं वो बाइक से भी आ रहे हैं, स्कूटी से भी आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों से भी आ रहे हैं। भाई रियली आप लोगों ने पता है हिम्मत का काम कर दिया आज, आज आप सबने हिम्मत का काम कर दिया है, आपने मेरा तो दिल जीत ही लिया, आपने मुझे तो हरा ही दिया आपने। बहुजन समाज के मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, आई लव यू सो मच। आज आप लोगों ने मेरा दिल जीत लिया और 1 तारीख को मुझे मुझे पता है मेरा पूरा दिल ही उड़ा ले जाओगे आप। 1 तारीख को तो आप लोगों का पूरा जन सैलाब आएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। आप मुझे निराश नहीं करोगे, आप मोदी सरकार को झुकाओगे, आप संविधान बचाओगे, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण बात थी और मैं नंबर जरूर बता देता हूं, एक नंबर आप नोट करके रखें, 3 नंबर बताऊंगा, 9999188986, 9999188986। जो साथी सुन रहे हैं ना वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, 9999188986। इस नंबर पर आप जो है ना रूट मैप की जानकारी ले सकते हो पूरी की पूरी, ठीक है। और दूसरा नंबर है जी 9810862586, दोबारा बता रहा हूं 9810862586, 9810862586, ये नंबर है, आप इसको भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। और एक नंबर और बता रहा हूं 9311003886, 9311003886, 9311003886, ये नंबर भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। भाई किसी साथी को कोई परेशानी होती है, आने जाने की कोई रास्तों की जानकारी चाहिए, बसों की जानकारी चाहिए, ट्रेनों की जानकारी चाहिए, तो आप ना ये हेल्पलाइन नंबर है 3 जारी किए गए हैं, इन हेल्पलाइन नंबर पर आप फोन करके आप जानकारी ले सकते हो। जब आंदोलन का वक्त आएगा ना 30, जैसे 30 सितंबर है और 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर को तो आंदोलन ही है, तो ये नंबर 24 घंटे चालू रहेंगे, 24 घंटे, क्योंकि दूर दूर के क्षेत्रों से साथी आएंगे, उनके हर एक कॉल का रिस्पॉन्स दिया जाएगा पूरा प्रॉपर अच्छे लेवल पे। तो साथियों आप सभी साथी तैयारी करें, आप अभी तैयारी कर लीजिए, अभी निर्णय ले लीजिए, संविधान को बचाओगे कि नहीं बचाओगे, अपने बच्चों की जिंदगी को बचाओगे नहीं बचाओगे, अपने बच्चों की शिक्षा को बचाओगे कि नहीं बचाओगे, अपने और अपने बच्चों के रोजगार को बचाओगे कि नहीं बचाओगे, अपने देश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे, ईवीएम को हटवाओगे कि नहीं हटवाओगे, संविधान को बचाओगे कि नहीं बचाओगे, मोदी को सत्ता से भगाओगे कि नहीं भगाओगे, यह आपको अभी निर्णय लेना होगा। और अभी निर्णय ले लीजिए, आप सबकी ताकत देखो पूरी दिल्ली में नजर आनी चाहिए। ये कुछ तैयारियों की अहम बात थी जो मैंने बता दी कि भाई आपको कैसे कैसे आना है, और इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी साथियों तक जो है ये आवाज पहुंच जाए। और बहुत अच्छे तरीके से मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं, आप आओ, आपका वेलकम है। जो साथी मंच पर बोलना चाहते हैं उनको मंच पर बोलने का भी पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। आप अपनी खूब भड़ास निकालना मोदी सरकार के प्रति, संविधान को बचाने की बात करना, देश की बात करना, समाज की बात करना, आप मंच पे भी बोलना, आपको पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। जो साथी मंच पे बोलना चाहते हैं, बोलने के इच्छुक हैं, और अकेले मत आना भाई, अपना पूरा ग्रुप लेके आओ, 10-20-50 साथियों को साथ लेके आओ। आप सबकी जिम्मेदारी है, मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, संविधान मेरा ही नहीं अकेले का, आपका भी है, ये संविधान आपका भी है भाई दोस्तों, ठीक है। अच्छा जी, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद। भाई सभी सम्मानित साथियों का मैं जय भीम अभिवादन स्वीकार करता हूं, सबका स्वागत करता हूं, आपका पूरा सम्मान किया जाएगा, आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, आप आएंगे बस नीले झंडे जरूर ले आना। और हाँ एक बात और है, आप किसी संगठन संस्था के साथी है ना तो अपना बैनर बनवा लेना आप बड़ा सा, अपना फोटो लगवाना, अपना नाम लिखना, अपना पद लिखना। अगर किसी संगठन के ना हो, पूरा ग्रुप भी आ रहा है ना आपका, तो आप अपने फोटो लगाओ, अपने बैनर लेके आओ, इसके लिए कोई मनाही नहीं है बिल्कुल भी। आप लेके आओ, अपने बैनर लेके आओ, अपनी संस्था के बैनर लेके आओ, आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा, आपके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, आपका नाम बाकायदा मंच से स्टेज से अनाउंस किया जाएगा, बोला जाएगा, आपके मान सम्मान में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि संविधान को बचाने की लड़ाई है, मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, जो हम मजबूती के साथ लड़ेंगे।
तो सभी साथियों को भाई क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आवाज दो हम एक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना आप।